हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम कक्षा 10 से हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तिका कृतिका से चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है जार्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। सबसे पहले पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किस विषय को उजागर करने की बात कही है, किन किन बिंदुओं पर लेखक अपना ध्यान केंद्रित करके और उसके माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। नाग जो कि समाज में मानव के इज्जत का प्रतीक होता है, इस संदर्भ में यहाँ पर लेखक ने व्यंगात्मकता करते हुए सत्ता और सत्ताधारी लोगों से जुड़े हुए उनकी मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को भी तत्पर रहते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि भारतीय जो राजनेता होते हैं उस समय में वो अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं बल्कि अपने आप को उनके आगे झुका करके भी सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते थे। और यहाँ पर पत्रकारिता को भी लेकर के व्यंगात्मक शैली में बात की गई है और उसकी निरर्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान की भी तैयारियों का वर्णन किया गया है। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। फौज फाटे यानी सुबह का समय, जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, वो समय का दौर बीत चुका था अब। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, यानी कि जो खबरें इंग्लैंड के अखबारों में छपती थी उसके दूसरे दिन वही खबरें हिंदुस्तान के अखबारों में भी छाप दी जाती थी। किरानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। कहने का ये तात्पर्य है कि वहाँ के जो राजसी ठाट बाट थे वो सिर्फ यहाँ के लोगों को लुभाने के लिए यहाँ के अखबारों में अपने वर्चस्व को दिखा रहे थे। के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसकी बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेख्याल यानी बेख्याल से मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। अब किसी को पता नहीं चला, परंतु पूरी दिल्ली जो है बिल्कुल साफ सुथरा और हरी भरी दिखने लगी। लेकिन एक बड़ी मुसीबत पेश थी, वह थी जार्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जार्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली के में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब यहाँ पर
राजनैतिकता पर चोट करते हुए। लेखक व्यंगात्मक शैली में कहता है कि इतना सब कुछ सिर्फ एक अंग्रेज शासन को यहाँ आने के लिए, उनके आवागमन के लिए हो रहा था, लेकिन अपने भारत की संस्कृति न जाने उसमें कहाँ पीछे छूट रही थी। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि उस समय सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मागर्म बरसे भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बस इस बात पर थी कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जार्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल है कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों ने हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा, यानी जिस प्रकार गुरिल्ला आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार अपने मर्यादा के लिए अपने देश में ही एक दूसरे के प्रति ऐसी भावनाएं उमड़ती रहीं। उसी जमाने में यह दास्ता और हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली लाज पंचम की लाट यानी मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। अर्थात हम अपने भारत की रक्षा करते रहे, उसके पहरेदारी भी करते रहे, लेकिन हथियार बंद यानी हथियार छुपा करके इसकी पहरेदारी करने वाले लोगों के बीच ही कब इसकी मर्यादा चली गई, ये किसी को नहीं पता। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैब गाहों यानी भलाई करने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, यानी कि अगर इस मूर्ति पर, इस लाट पर नाक नहीं रहेगी तो हमारी भी क्या इज्जत उनके सामने रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मागों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जार्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका यानी देखा, नज़र से ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी अब वहाँ पर मूर्तिकार की बातों का जवाब देने के लिए वहाँ पर जितने भी बैठे हुक्मरान थे, सब एक दूसरे को देखने लगे और अपने ही अपने मन में सोचने लगे कि इस सवाल का जवाब देने का तुम्हारा जिम्मा है। खैर, मसला हल हुआ। क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के, यानी जो इन सारी चीज़ों के बारे में लिखित प्रमाण रखते थे, उन सारी फाइलों को खंगाला गया। पेट चीरना यानी उनकी सारी फाइलों को खंगाला गया और पता लगाया गया। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर गई। अर्थात फाइलों में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि वह मूर्ति की रचना कब हुई थी और उस पर नाक कब लगाई गई थी। हुक्मों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसमें जिम्मे यह काम दिया गया
कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर ही है। दारोमदार यानी पूरी तरह से आपको यह काम सौंप दिया गया है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। जान में जान आना यानी राहत की सांस लेना, यह मुहावरा है। सभापति के चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोजने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसके सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल रंग तक मिल जाता है और पत्थर क्यों नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि एक हिंदुस्तानी को ऐसा कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि हमने दूसरे की संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया है, सब कुछ मिल जाता है तो यह पत्थर क्यों नहीं मिल पाता। ऐसी व्यंगात्मकता करते हुए लेखक को भी अंदर से एक बार झेपना आ गया। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं, अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो, मेरा मतलब है तो उसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे, उसे उतार लाया जाए। यहाँ पर लेखक ने उन कुंठाओं को उजागर करने का प्रयास किया है कि दूसरे की संस्कृति को अपनाते अपनाते अपनी ही मर्यादा को ताक पर रख देना, अपने देश की माटी से ही व्यवस्था भरी लाचारी भरे व्यवहार के लिए तत्पर हो जाना। सबने उसकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी, अर्थात सभी अवाक अवश्य हो गए उसकी बातों को सुनकर कि अपने देश के नेताओं की लार एक अंग्रेजी शासक के नाक पर लगे, जिसने हमारे देश में न जाने कितनों दिनों तक शासन किया और हमारे देश को बिल्कुल छिन्न भिन्न करके रख दिया, परंतु अपने फायदे के लिए। तुरंत ही उन लोगों के मन में फिर से खुशी दौड़ पड़ी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई दादा भाई नेहरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवसे जी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली नापी और गुजरात की ओर भागा। बच्चों यहाँ पर यह विशेष ध्यान दिया जाए कि जब मूर्तिकार यहाँ पर उस पे मूर्ति पर लाट पर नाक लगाने के लिए किन किन नेताओं की नाक की नाप लेने के लिए निकला था, इसे अंडरलाइन कीजिएगा और इसे ध्यान भी रखिएगा। आगे अब जी सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय आदि को भी देखा, नापा जोखा की और बिहार की तरफ बढ़ा। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, विस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबरा कर मेर मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी थी। अर्थात जो अपने देश के राजनेता थे
उनकी नाक तो हर हालत में जाज पंचम की नाक से ऊंची होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी नाक को ही तो बचाने के लिए अंग्रेजी शासन को यहाँ से खदेड़ा था। तो फिर इनकी नाक कैसे उस अंग्रेज शासक के मूर्ति पर फिट आ जाती? शायद ये बात उन हुक्मरानों को समझ में नहीं आया कि हमारे हिंदुस्तान की गरिमा क्या है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बताते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद वहां की नाक ही फिट बैठ जाए। अब यहां पर कुछ बच्चे भी उस समय शहीद हो गए थे जिनकी मूर्तियां वहां पर स्थापित की गई थी। बिहार में सेक्रेटेरिएट के सामने, इसे अंडरलाइन कीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा भी, शायद बच्चों की नाक फिट आ जाए, ऐसा मूर्तिकार ने कहा। और यह सोचकर वह वहाँ भी पहुँचा। उन बच्चों के नाके भी उसने बहुत बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ? यहाँ तक कि जो हमारे बड़े राजनेता थे उनकी नाकों से लेकर हमारे देश के छोटे बच्चों की नाक भी उस मूर्ति की नाक से बड़ी थी। अर्थात हर स्थिति में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहाँ का जो स्वराज्य था उसकी कीमत और नाक हर हाल में उनसे ऊंची ही थी। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमर कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, तब सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक कामों तक पहुंची, यानी जो बड़े अफसर होते हैं। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब? यह तो अपनी नाक कटवाने की बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे के से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौधा और उसने बड़ी पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब बात आने लगी हुक्मरानों पर, और मूर्तिकार अपने लालच में पढ़ करके नए नए प्रकार की तरकीबें उन्हें देने लगा। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, यानी चौक उठा या भौचक्का होना या आश्चर्यचकित होना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुराना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी और मूर्तिकार को इजाज़त मिल गई। अब भारतीय राजनेता उस समय में अपने फायदे के लिए अपने देश की संस्कृति को बचाने के चक्कर में थे या कुछ और था, यह बात तो मूर्तिकार भी न समझ पाया होगा। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। हथियारबंद पहरेदार अर्थात हथियार तो उनके पास हो परंतु वो सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में ना हो। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई यानी जो गीली मिट्टी थी, और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, यह सब तैयारियां भीतर भीतर ही चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हाल में नाक लग जानी चाहिए, और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम ने जिंदा नाक लगाई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने
की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ चाहिए थी और वह भी बुध पर लगाने के लिए। बस यही समझ नहीं आया कि वह नाक लगी किसकी। अब यहाँ पर जो है लेखक यह सोचता है और भारतीयता और भारत के लोगों के बारे में उस समय जो मूर्तिकार ने सबको उपाय बताया था उसमें क्या भूमिका रही। अंत में अखबारों में जब कोई खबर नहीं छपा और कोई मानपत्र भी नहीं बटा और सिर्फ नाक लग गई, यह उस बात को उजागर करता है कि जब सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के बात चली थी और कमेटी की गठन हुई थी, उस समय यह सरकारी तंत्र के लोग यह भूल गए थे कि हमारे देश की अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और यहाँ के लोगों की अपनी मर्यादा अर्थात अपनी नाक ऊँची होनी चाहिए, न कि हमें किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अपनों को ही गर्त में डालना पड़े या उन्हें धोखा देना पड़े। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।